वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, वे बेकदरा दिले बेनाम तेरे नाम कर देता, मैं सब कुछ हार के एक बार तेरे नाम कर देता। जाने अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकती हूँ? या अल्लाह मुझे माफ कर दे, फाइजा तो कभी माफ नहीं करेगी। देख ले अम्मा, ये लड़का था जिसे तू मेरी शादी कराना चाहती थी। दिले बेनाम तेरे नाम कर दे। इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स की, रिप्लाई तो कर देता यार। हाँ यार, सो रहा था इस वक्त। तू तो कभी सोया ही नहीं इस वक्त पहले। नींद आ गई थी, सो गया। तुझे हो क्या गया यार? इस वक्त तो तू क्लब होता था। यार ज्यादा सवाल मत करो, बोला ना सो रहा था। मुझे अब इस बात का यकीन होता जा रहा है कि तू डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन? मैं क्यों जाऊंगा डिप्रेशन? अब वजह भी मैं ही बताऊं। मौन यार, फिर शुरू हो रहा है। मुझे फिक्र है तेरी यार, क्योंकि जैसा तू बिहेव कर रहा है तूने जिंदगी में आज तक ऐसा बिहेव नहीं किया पहले कभी। मोहब्बत होना डिप्रेशन में जाने जैसा होता है, मुझे नहीं पता था। अम्मा देख, तुझे बुखार भी हो रहा है, इस तरह ना कर, वो कुछ खा ले। अम्मा ईसा भी आ जाएगा, और लेकिन तू नहीं खाएगी तो तेरा बुखार तेज हो जाएगा। ओ क्यों कर रही है तू अपने साथ ये जुल्म? नहीं, मेरा ईसा जब तक नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अम्मा वो आ जाएगा ईसा, तुझे तो पता है उसका। अम्मा पहले ही तेरी तबीयत खराब है, वो और खराब हो जाएगी, मेरी बात मान ले। अपने ऊपर ये जुल्म ना कर, मेहरबानी कर, खा ले। ईसा को ला दो वरना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। अम्मा ऐसे ना कह, मैं कह रहा हूं ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे ईसा को, बस मैं हुमैरा को भेजता हूं, तू कुछ खा ले, अपना ख्याल कर, तू अपना ख्याल कर बस। नहीं, की हालत देखी नहीं जा रही मुझे। अम्मा कुछ खा पी भी नहीं रही, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मैं अम्मा को बताऊं कैसे। क्यों, क्या हुआ शाहिद? ईसा का कुछ पता नहीं चला। इंशाल्लाह खैर। जहां जहां से पूछ सकता था वहां से पूछा, उसके दोस्तों को, उसके जानने वालों को, यहां तक के दुकानदारों को भी पूछा कि यहां तो नहीं आया, किसी को उसका कुछ नहीं पता। मुझे तो समझ नहीं आ रही जमीन खा गई है इसको कि आसमान निकल गया है, और चला किधर गया ये? हम अम्मा को ज्यादा देर बहला नहीं सकते शाहिद,
ना मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। जमीन खा गई है इसे, आसमान निकल गया है, चला किधर गया ये? पता नहीं ऐसी क्या सूझी है इसे। अच्छा भला घर पे बैठा हुआ था, घर छोड़ के चला गया। शाहिद, आपको उसी वक्त रोक लेना चाहिए था ईसा को। मुझे क्या पता था कि ये वापस ही नहीं आएगा। मैं तो समझा जा रहा है पैसे खत्म होंगे, कल वापस आ जाएगा। इस बार तो कमाल ही कर दिया इसने। आपने बताया नहीं कि आप क्या लेंगे, चाय या जूस? चाय कौन पीता है, कॉफी ले आओ। कॉफी? कॉफी का पता है ना? नाम सुना है, पता नहीं क्या। ओह माय गॉड, नेवर माइंड, तुम जूस ही ले आओ। जी जी ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। आज शाम को ट्रेनर आएगा और साथ जिम के टूल्स लाएगा, मतलब जिम का सामान लाएगा। पर ये सब क्यों? देखो ईसा, वैसे तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि इस पे जरा से भी फैट्स ना हो, मतलब चर्बी ना हो। मसल्स बनाने हैं और बॉडी को मजीद खूबसूरत करना है। क्या मतलब, आज से ही? हाँ, और ये चैनल देखते रहना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। देखो ईसा, आजकल मॉडलिंग की फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। जिस्म ही तो दिखाना होता है, सर से लेके पांव तक परफेक्ट होना चाहिए, इसी के तो पैसे मिलते हैं, समझे? अच्छा चलता हूं, फिर मिलते हैं, बाय। जिगर, ये दुनिया वाले भी कितने ही बेवकूफ। जो तुझे ढूंढने की कोशिश में लगे हो, ये बात सिर्फ मैं जानता हूं कि तू ना मिलने के लिए गायब हुआ है। चल जहां रह सुखी रह, लेकिन मैं भी तेरा यार हूं, तुझे ज्यादा टाइम तक गायब नहीं रहने दूंगा। खेल ले जितनी भी आंख मचोली खेलनी है तूने, ढूंढ ही निकालूंगा। आ फैसा, फैसा पुत्र तू आ गई है? ये मेरी बेटी है फैजा, जिसका मैं आपको बता रही थी। अब फैजा ये हमारे ना पड़ोस से आए, न्याज लेकर आए थे। हाँ हाँ, ये
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा बेटा जी, आपको देर हो रही है, आप जाए। बड़ी शुक्रिया, अपनी अम्मा को ना मेरे से बहुत शुक्रिया कह देना है। शाबाश, बहुत बहुत मेहरबानी। फायजा, आखिर कब तक चुपती फिरोगी? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। दिले बेनाम तेरे नाम कर दे, दिले बेनाम तेरे नाम कर दे। ये ले, तेरी चाय बनाई है। अल्लाह, वाह अम्मा, क्या खाना बनाया था आज तूने, और इस चाय ने तो मजा ही दुबाला कर दिया। बस मैंने सोचा आज मुर्गी बना लूं, तुझे बहुत पसंद है ना? पता है तुझे सब, पता नहीं कितने अरसे बाद आज हमने मुर्गी खाई है। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता आखिरी बार कब खाई थी। चल कोई नहीं, अब तो खैर से तू कमाने लग गई है ना, जिस दिन कहेगी बना दूंगी। अल्लाह ने भी कैसे दिन फेरे हमारे। बस अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह ने सब खैर की है। बस अब तेरी एक शादी हो जाए तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। अम्मा अभी कितने काम है करने वाले, अभी तो शुरुआत है, ये कोई वक्त होता है ऐसी बातें करने का? बाद में देखूंगी ये सब।
एलियन जा रही है। हाय हाय। हेलो, कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बात है, फाइजा नजर नहीं आ रही काफी दिनों से। हाँ, मैंने भी नोट किया है। यार मुझे तो नोट्स चाहिए थे फाइजा से। क्यों, तुम लोग का रिश्ता नहीं है उसके साथ? लो जी, दोस्त हो तुम्हारी, हमें क्या मालूम इसके बारे में। हाँ भाई, मरियम के अलावा किसी को लिफ्ट करवाती ही कहाँ थी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो मेरी काफी अच्छी दोस्त थी और स्टडीज में मेरी हेल्प भी करती थी। अच्छा बताओ फिर मरियम को कि वो क्यों नहीं आ रही कॉलेज। मुझे तो लगता है उसकी शादी हो गई है, इसीलिए तो उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। एटलीस्ट स्टडीज तो कम्प्लीट कर लेती। लो जी, बीए के लिए 4 साल अपनी शादी के कैसे डिले करती। खैर अब क्लास के लिए देर हो रही है, चलते हैं मरियम। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। फायजा, आखिर कब तक चुपती फिरोगी? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। Oh, 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 oh.
सुनिए आंटी, ये घर, मतलब इस घर में जो लोग रहते थे वो कहाँ गए? इस घर में बहुत अच्छे और शरीफ लोग थे, ये घर बेच गए। कहाँ चले गए आप जानती हैं? किसी को कुछ बता कर नहीं गए कि वो कहाँ चले गए। का मतलब आप भी नहीं जानती? हाँ, मैंने सुना था कि वो ये शहर ही छोड़ गए, अब कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। लेकिन कोई तो जानता होगा ना? अरे बेटी, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, किसी और से पूछ लो। वैसे तुम्हारा उन लोगों से क्या रिश्ता था? मेरी दोस्त रहती थी यहाँ पे। ओ अच्छा, फायजा, बच्ची तो बड़ी अच्छी थी पर तौबा तौबा जबान उसकी। खैर मुझे क्या लगे, ये बता तुम्हारा रिश्ता हो गया? नहीं थैंक यू, मुझे देर हो रही है, मैं चलती। हाँ बात सुने जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ईसा को जानते हैं? हाँ जी जानता हूँ। मुझे उससे मिलना है। नहीं, मुलाकात नहीं हो सकती मुहतरमा आपकी। क्यों? क्योंकि वो काफी दिनों से गायब हुआ हुआ है किसी जगह पे। आप मुझे उसके घर के बारे में बता सकते हैं? घर? घर ही तो वो छोड़ के गया हुआ है जी, अब पता नहीं कहाँ गया है, किधर गया है, कुछ पता नहीं है उसका। कुछ तो बता कर गए होंगे। ना जी ना, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, उनके भाई और भाभी भी तो यहीं रहते हैं ना? हाँ जी, हाँ हाँ, वो हुमैरा भाभी का घर मुझे पता है। हाँ हाँ, वो ईसा की भाभी है। आप ऐसे करें ना, आप यूं ना सीधा जाएं। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी, शुक्रिया। आंटी, मैं फायजा की दोस्त हूँ। अच्छा अच्छा बेटा। आंटी मैं जरा जल्दी में हूँ, आप मुझे फायजा के नए वाले घर का एड्रेस दे सकती हैं? बेटा मेरे पास लिखा हुआ तो नहीं है, हुमैरा होती ना तो वो तुम्हें लिख कर दे देती, बस मुझे तो जुबान कलाम ही आता बस। हाँ आंटी, आप मुझे उतना ही बता दें, आगे मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। ऐसे करना ना। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरा काम आसान कर दिया, आगे मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। थैंक यू। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। मैनेजर साहब को भेजें।
आइए बैठे। ये जो लड़की हमने रखी है, क्या प्रोग्रेस है इसकी? मिस फायजा जी, काफ़ी मेहनती लड़की हैं मैम, कुछ ही अरसे में काफ़ी कुछ सीख गई हैं। दैट्स ग्रेट, दिल लगा के काम करती हैं। मैंने मिस किरण के साथ मिस फायजा को अटैच किया था, वो भी उनकी काफ़ी तारीफें कर रही थी। गुड, आप सिर्फ फायजा को भेजें। मैम वो तो ऑफ होते ही जा चुकी हैं। ओके। वैसे अमूमन वो ऑफ होने के बाद भी काम करती रहती हैं, आज शायद कोई ज़रूरी काम होगा। चले ठीक है। चले मैम अब नहीं चलता। ठीक है। मेरी अंधेरी गमगीन डिप्रेशन ज़दा जिंदगी में तुम वो ताज़ा हवा का झोंका थी जिसमें जिसमें मैं खुल के सांस ले सकती थी। दिले बेनाम तेरे नाम कर दे, दिले बेनाम तेरे नाम कर दे। चाय पियो। फायजा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत गलत किया है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ फायजा। मरियम इन बातों को मत दोहराओ, कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से ये सारी बातें भुलाई हैं और इनको इस तरह दोहरा कर तुम मेरे जख्मों पर नमक मत फेंको। प्लीज मुझे माफ कर दो फायजा। मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी मरियम, तुम्हें अपना हर सुख हर दुख हर खुशी गम सब बताती थी। मेरे पास और कोई नहीं था। मेरी अंधेरी गमगीन डिप्रेशन ज़दा जिंदगी में तुम वो ताजा हवा का झोंका थी जिसमें जिसमें मैं खुल के सांस ले सकती थी। तुमसे दोस्ती करने का मेरा कोई मोटिव नहीं था। मैं जानती थी तुम जरार से मोहब्बत करती हो, कि तुम उससे शादी करना चाहती हो, तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे और जरार के बीच आऊंगी, कि मैं उसे तुमसे छीनूंगी। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं, असल बात पता क्या है? असल बात तो ये थी कि तुमने मुझे कभी अपने बराबर समझा ही नहीं। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे कजन से शादी करके अपना स्टेटस बदलना चाहती हूँ। मरियम तुम्हें मुझमें कब पैसे की या स्टेटस की हवस नजर आई थी? कभी मैंने ऐसा बिहेव किया था तुम्हारे साथ? आई स्वेयर फायजा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल दिया मैंने तुम्हें। पता है मरियम, मुझे ना जो तुम्हारी दोस्ती पर ना फखर होता था, प्राउड फील करती थी मैं कि हमारे सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी तुम ही दोस्त हो। मुझे लगता था तुम उन टिपिकल अमीर जातियों की तरह नहीं होगी,
तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो फाइजा। अपनी बच्ची को चीज इज्जत नफ्स बचाने की खातिर बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं यहां आ बसी, सिर्फ इसलिए कि मेरा माजी मेरे सामने ना आ जाए। और तुम यहां भी, लेकिन तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे कि मैं शर्म के मारे मर जाऊं? तुम्हारी वो एक गलत फहमी दूर करने के लिए अपना अबाई घर बेचना पड़ा। और इस नई जगह, इस नई दुनिया में एडजस्ट होना पड़ा। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ फाइजा। और सरार बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। मरियम, अगर अब तुमने जरार को कुछ भी बताया मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन फायदा मरियम, अम्मा के वापस आने से पहले तुम यहां से चली जाओ। मेरी और आइंदा कभी मत आना। समीर ऐसे नहीं, टीवी को देख के करो। भूल गए सब, टफर पहली बार कर रहे हो। सॉरी मैडी। इसको उतारो, अब करो। चलो ईशा गौर से देखो, हर चीज पिक करो। समीर दोबारा करके दिखाओ, और टीवी को देख के करना है। हाँ चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। देख रहे हो ईशा, ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, तुम्हें क्या लगता है ये सीख के आते हैं? नहीं, इन्हें सब कुछ हम सिखाते हैं, फिर जब ये कुछ बन जाते हैं हमें क्रेडिट ही नहीं देते। समीर तुमने आज मुझे थका दिया। ईसा जाओ मेरे लिए जूस ले आओ। तुम्हें क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज क्यों करती हो? हर दफा भूल जाती हो। अभी भी मौका है, कुछ बन जाओ। कुछ बनना है ना तो बनो। देखो गौर से देखो। जुनैरा, मैंने बिलाल से बात की थी। क्या बात? अरे भूल गई क्या, जैन की और मरियम की शादी की। असल में कुछ और ही सोचने लगी थी तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। क्या प्लान है, क्या सोच रही थी तुम? सालिहा, मरियम ने तो अब मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि वो अब इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार होगी। मरियम तो शादी के बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती है।
सालिहा अगर तुम मुझे 2 दिन दे दो तो थोड़ा सा डिस्कस करके मैं तुम्हें फिर बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन जवाब मुझे हाँ में चाहिए होगा। अरे हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। तुम्हें तो पता है जैन मेरा इकलौता बेटा है और उसकी शादी के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर तुम्हें पता है सालिहा कि मरियम भी तो मेरी इकलौती बेटी है और मेरा हाल भी वही है जो तुम्हारा है। अच्छा चलो, अब चाय ठंडी हो जाएगी, वो तो लो। के नाते मैं मजबूर हूँ, मैं भी दिल रखती हूँ। तुम जानती हो फायजा, कितने साल तक मैंने जरार की शक्ल तक न देखी। आप भी एक औरत हैं, क्या आप ये देख सकती हैं कि आपका बेटा इस तरह दूसरी औरतों की बेइज्जती करता है, उन्हें यूज करता है एज ए टारगेट? नहीं ना, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप उसे सपोर्ट करें, उसे सब सच बता दें। दिले बेना